हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे एक मेंबरशिप एक मेंबर का जो है टर्मिनेशन हो जाता है उसकी मेंबरशिप से। और उन केसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें, आप हमारे चैनल पर जब आए कॉमर्स की पाठशाला में, तो यहाँ पे आने के बाद आपको होम के ऊपर क्लिक करना है। जब आप होम में ही एक्चुअली आप रहेंगे, फिर भी अगर आप किसी और टैब में जाते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको होम पे आना है। नीचे की तरफ आपको आना है, इग्नू बीकॉम न्यू सेक्शन आपको मिल जाएगा। इस सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जो कि सारी की सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, हालांकि लैंग्वेज ग्रुप और एनवायरनमेंट को छोड़ करके यहाँ पे सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है। इसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं जिनको आप देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। हमारे आज के टॉपिक की तरफ से चलते हैं जो कि है हमारा टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। चलिए फिर बात करते हैं। ओके, so you learn that a person becomes a member of the company when his name appears in the register of members. Accordingly, a person ceases to be a member of the company if when his name is removed from the register of members, है ना? यहाँ पे जो बोला गया वो ये बात है कि आपको पता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एक person जो है किसी भी company का member तभी बनता है जब वो company के register में appear होता है, उसका नाम जो है company के register में appear होता है। लेकिन अगर उसका नाम उस company के register से हटा दिया जाए या हट जाए, तो उस केस में हटा दिया जाए, खुद से तो नहीं हटेगा, तो उस केस में वो जो है उसकी मेंबरशिप जो है टर्मिनेट हो जाती है, वो उस कंपनी का मेंबर नहीं रह जाता। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिसके कारण से आपका टर्मिनेशन हो सकता है। सो अ पर्सन मे सीजेस टू बी अ मेंबर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, है ना? ये वो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके कारण से आपकी मेंबरशिप जो है आपकी छीनी जा सकती है। पहला है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कलर में थोड़ा डिफरेंट कर लेता हूँ। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, so when he transfer his shares to another person and the transfer is duly registered by the company, the name of the transferor is moved from the register of members, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो कि एक मेंबर है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दे रहा है किसी और व्यक्ति को। तो जब आप अपने शेयर को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हो तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, आपका जो इंपॉर्टेंस होता है, आप जो एज ए मेंबर काम कर रहे होते हो, आपके मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है, आपके नाम को कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट यू नो तरीका जिसके जरिए आप अपना नाम जो है वहां से हटवा सकते हो या फिर आपका नाम हटा दिया जाता है। आप तो खुद तो नहीं हटवाना चाहोगे, तो जब भी आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर करते हो किसी और व्यक्ति को, हालांकि वो ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए बाय द कंपनी, तो उस केस में आपके आपका जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर हिज शेयर्स गेट ट्रांसमिटेड टू हिज नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब भी किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी जो नाम है रजिस्टर से वो हटा दिया जाता है और जो भी उसकी नॉमिनी नॉमिनी होगी या फिर जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके पास जो है वो शेयर की अथॉरिटी और ओनरशिप जो है चली जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर आपके शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया गया, आपके शेयर को अगर जब्त कर लिया गया बाय द कंपनी, इन दैट केस योर मेंबरशिप विल बी टर्मिनेटेड, ठीक है ना। तो शेयर्स मे बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स एंड अदर रीजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स। शेयर फॉरफिचर कब होता है? जब आप अपने कॉल्स को पेमेंट नहीं करते हो, जब आप पेमेंट करना भूल जाते हो या फिर नहीं करते हो किसी भी कारण से, तो उस केस में आपका जो जो आपका शेयर होता है उसको फॉरफिचर हो जाता है, उसको जब्त कर लिया जाता है। द मेंबरशिप टर्मिनेट्स ऑफ शेयर फॉरफिचर। तो जैसे ही उस चीज को किया जाता है, फॉरफिचर कर लिया जाता है, तो आपकी जो मेंबरशिप है वो भी एक तरीके से टर्मिनेट कर दी जाती है, आपके नाम को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के नाम से हटा दिया जाता है। सरेंडर ऑफ शेयर्स। So when a member validly, surrender his shares to the company, he ceases to be a member. ठीक है ना? तो जब कोई member अपने shares को surrender कर देता है किसी company को, किसी मतलब उसकी जो company है जिसमें उसका share है, जब वो अपनी company को अपने shares को surrender कर देता है, अब उसके पैसे बदले वो पैसे लेगा नहीं लेगा मुझे नहीं पता, पर अगर वो सरेंडर कर रहा है कि मुझे अब ये शेयर नहीं चाहिए, अब आप ये शेयर अपने रख लो, तो उस केस में जो उसका नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के नाम से जो जो रजिस्टर है वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है। मैं बाकी सारे पॉइंट्स को करवा दूं, इसके पहले मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं पॉइंट्स को, ठीक है, फिर आगे हम लोग करेंगे। पॉइंट्स को थोड़ा हाईलाइट कर लूं। ओके ओके ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने अभी तक 5 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। चलते हैं हमारे फिर छठे पॉइंट की तरफ जो की है वाइंडिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर। तो कोई एक मेंबर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास अगर पैसे नहीं है देने को, तो उस केस में उसकी जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी, ठीक है।
तो व्हेन अ मेंबर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जब किसी मेंबर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, हिज शेयर्स वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द ऑफिशियल असाइनी, है ना, तो जो उसका जो एक तरीके से जो मेंबरशिप है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। द असाइनी और रिसीवर में सेल दीज शेयर्स, एंड व्हेन द ट्रांसफरीज नेम इज इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ बुक्स, इंसॉल्वेंट मेंबर सीजेस टू बी अ मेंबर। यहां पे हो क्या रहा है, देखो एक मेंबर है, वो मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके पास अब पैसे बचे नहीं है, तो जो रजिस्ट्रार होगा ना, जो ऑफिशियल रिसीवर होगा या फिर जो ऑफिशियल असाइनी होगा, वो क्या करेगा, उस मेंबर के जितने भी शेयर्स आपकी कंपनी को उसने लेकर के रखे हैं, उन सारे शेयर्स को वो जो रिसीवर होगा या फिर ऑफिशियल असाइनी होगा उसको बेच देगा, और जब कोई नया मेंबर मिल जाएगा उस शेयर को खरीदने वाला, जब कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो कि नया मेंबर होगा उस कंपनी का, तो नए वाले मेंबर का नाम जो है वहां पर रजिस्टर ऑफ कंपनीज में ऐड हो जाएगा, रजिस्टर ऑफ बुक्स में ऐड हो जाएगा, और जो पुराना जो मेंबर है जिसको इंसॉल्वेंट घोषित किया गया था, उसका नाम जो है वहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका नाम जो है हटाया जा सकता है। अगला है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो जब कोई कंपनी वाइंड अप होती है, खत्म होती है, तो उस केस में भी जो कंपनी का जो मेंबर होते हैं उसके नाम को हटा दिया जाता है। सो मेंबरशिप टर्मिनेट्स ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बट कंटिन्यूज टू बी लायबल एज ए कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है वाइंडिंग अप के केस में, लेकिन एज ए लायबिलिटी उसकी वो बनी रहती है, क्योंकि उसने उसका वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो लायबिलिटी जो है उसकी वहां पे बनी हुई है, ठीक है। लेकिन मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ठीक है। रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। So if he repudiates the contract to take shares on the ground of misrepresentation or mistake in the prospectus or on the ground of irregular allotment, है ना? तो अगर contract का repudiation होता है ना, तो उस केस में भी, जैसे कि सपोज यहाँ पे बोला गया कि ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ, और यहाँ पे देखो आपने मिसरिप्रेजेंट करा था अपने डेटा को, अपनी चीजों को, जिसके कारण से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिपुडिएट हो जा रहा है, वॉइड हो जा रहा है, तो उस केस में आपका नाम जो है मेंबरशिप के रजिस्टर से हट जाएगा, है ना। या फिर प्रोस्पेक्टस में कोई गलती हो गई, है ना, तो उस केस में, या फिर जो इरेगुलर अलॉटमेंट आप कर रहे हो, पैसे जो आप पेमेंट कर रहे हो वो इरेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, आप रेगुलर नहीं कर रहे हो, तो उस उन सारे केसेस में भी रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो भी आपका नाम जो है वहां से हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है इन्फोर्समेंट ऑफ लीन, है ना। सो व्हेन द कंपनी हैज अ लीन ऑन द शेयर्स एंड द शेयर्स आर सोल्ड बाय द कंपनी टू इन्फोर्स दिस लीन, और इफ द लीन आर सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑफ द कोर्ट, द मेंबरशिप टर्मिनेट, है ना। तो ये वो केसेस है जिसके कारण से मेंबरशिप आपकी जो है टर्मिनेट हो सकती है। सपोज की कंपनी जिसने लीन देकर के रखा है अपने शेयर्स के ऊपर, और उन शेयर्स को अगर बेच दिया जाता है ताकि उस लीन को इन्फोर्स किया जा सके, तो उस केस में भी जो जो आपके जो सेल हो जाएगा आपके शेयर्स को, उन शेयर्स के लिए जो भी आपकी मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो। नौवां पॉइंट है रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। तो जब भी आप अपने शेयर्स को रिडेम्पशन कर लोगे, तो उस केस में भी आपका जो एक तरीके से जो नाम है वहां से हटा दिया जाता है। सो इफ अ मेंबर इज होल्डिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देन ऑन देयर रिडेम्पशन देयर मेंबरशिप टर्मिनेट्स, है ना। तो सपोज आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर का आपने नाम सुना होगा, जहां पे एक सर्टेन फिक्स रेट पे जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होते हो, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हो। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो और अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो जैसे ही आप अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, आपका जो मेंबरशिप से नाम है वो काट दिया जाएगा, आपका मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आखिरी पॉइंट है ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर। जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, अगर वो ये कहता है कि आपके नाम को वहां से हटा दिया जाए, तो भी आपका नाम जो है हट जाएगा। So when the tribunal passes an order for the purchase of shares of a member under section 242 of the Companies Act, his membership terminates. So suppose tribunal ने कहा कि भाई इस ये जो member है, ये particular member जो है, उसके जितने भी सारे shares हैं, उन सारे shares को आप वापस से खरीद लो, है ना। कंपनी वापस से उस shares को खरीद लेगी उस particular member के, तो जो member है उसका नाम जो है वहां से हट जाएगा। और कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि member के पास से जो है वो अपनी shares को खरीद सकता है, according to section 242 of the Companies Act, वो खरीद सकता है। जैसे ही वो वापस खरीद लेगा, तो जो मेंबर है वो सीजेस टू बी अ मेंबर हो जाएगा, वो उसका जो कोई अधिकार या फिर स्वामित्व जो है वहां पे नहीं रह जाएगा, राइट, क्योंकि उसका शेयर को तो कंपनी ने वापस खरीद ली। सो दीज आर द 10 पॉइंट जिसमें टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।